उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चित्रकूट में 75 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और लैपटॉप का वितरण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गरीब, कल्याण, किसानों, नौजवानों के उज्जवल भविष्य और उत्तर प्रदेश जनता के जीवन में खुशहाली लाने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार में पिछले 5 सालों में प्रदेश में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी खत्म हुई है, ये परिवर्तन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 2024 में प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से पूरी 80 जीतेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनाएंगे। सरकार लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से गरीबों को अन्न वितरण का कार्य पूर्व की भांति चल रहा है। अन्ना समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जो गो आश्रय स्थल का कोई भी बकाया है उसको भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जो हर घर नल से जल पहुंचाने का कार्य है, गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय से पाइपलाइन डालना 1 मीटर नीचे और सड़क जो तोड़ी जाए उनका निर्माण करना और हर घर तक नल से जल पहुंचाने की अधिक महत्वाकांक्षी योजना को जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई विश्व की सबसे लोकप्रिय योजना में से एक होने जा रही है और सरकार के आधार पर 2024 में भी लोकसभा की उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं। हम अपने गठबंधन के साथ सभी 80 सीटें जीतेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है।